गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज के दिन की सुबह की शुरुआत हो रही है केदार घाटी के सोनप्रयाग से। देखो भाई, खूबसूरत सी ये जगह है। तो भाई, जस्ट अभी हम अपने यहाँ, हमारा ऊपर होटल था, होटल को छोड़ के अब हम जा रहे हैं गौरीकुंड के लिए। फिर वहां से करेंगे हम ट्रैक। तो अभी जाते हैं पहले टैक्सी पे गौरीकुंड तक। नदी के सहारे सहारे नदी बह रही है, नदी के किनारे किनारे पैदल मार्ग से वो वहाँ पे है टैक्सी वाली रोड। तो वहाँ तक जो है पैदल ही जाना पड़ेगा आप सभी को। ये है सोनप्रयाग का टैक्सी स्टैंड। अब यहाँ से जाएंगे हम ऐसी टैक्सियों में गौरीकुंड तक के लिए। चलो भाई रतूड़ी जी, चलाओ गाड़ी, भर तो गई पूरी सवारी है। चलो, अरे यार चलो यार, रतूड़ी जी गाड़ी चलाओ यार। हाँ चलाओ चलाओ। फाइनली पहुंच चुके हैं गौरीकुंड, और ये रहा हमारे दोस्त प्रवीण भाई का रेस्टोरेंट। तो गौरीकुंड में है, लेकिन प्रवीण भाई तो अभी क्या कहते हैं, देहरादून में ही है। तो अब यहाँ पे नाश्ता करते हैं पेट भर के, क्योंकि पूरे दिन ट्रैक करना है, शाम तक ही पहुँचेंगे। तो पहले करते हैं कुछ खाना वाना खा के पेट पूजा, फिर उसके बाद करेंगे ट्रैक स्टार्ट। चाय पराठों का नाश्ता, मैं चाय पीता नहीं तो मैंने लस्सी ले ली। हाँ तो भाई, नाश्ता वास्ता करके आप करते हैं गौरीकुंड से अपनी केदारनाथ जी के लिए यात्रा शुरू। तो बोलो शंकर भगवान की जय। चलो भाई केदारनाथ के लिए। गौरीकुंड की इन गलियों से हमने कर दी अपनी केदारनाथ धाम जी की यात्रा शुरू। टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 9:45, तो लगभग 9:45 बजे से हम यात्रा शुरू कर रहे हैं, और उम्मीद है कि हम 4 से 5 के बीच पे श्री केदारनाथ जी के पास पहुंच जाएंगे, उनके दरबार पे पहुंच जाएंगे। देखते हैं कब तक पहुंचते हैं। दोस्तों, ये जो आप नीचे कुंड सा देख रहे हैं है तप्त कुंड, और पीछे से बह रही है मंदाकिनी नदी। ये है अभी हम गौरीकुंड के तप्त कुंड के पास, ये रहा तप्त कुंड। हाँ तो भाई, आप जब केदारनाथ के लिए आते हैं, गौरीकुंड से थोड़ा सा आगे निकलते हैं, तो प्रकृति आपका स्वागत कैसे करती है देखिए। इधर अलकनंदा नदी बह रही है, सॉरी अलकनंदा है, मंदाकिनी नदी बह रही है, और ऐसे प्राकृतिक झरने आपको देखने को मिलेंगे। जस्ट थोड़ा सा ही आगे आए हैं और पूरा पसीना पसीना हो गए भाई। तो यार, इससे खूबसूरत कोइंसिडेंस क्या ही हो सकता है कि नवरात्रों का सप्ताह चल रहा हो, सोमवार का दिन हो, और मंजिल केदारनाथ हो। बहुत ही खूबसूरत सा कोइंसिडेंस हो गया, क्योंकि आज नवरात्रों का दूसरा दिन है, सोमवार भी है और मंजिल केदारनाथ है। अक्टूबर का महीना है, यात्रा उतनी पीक पे है नहीं, मीन्स जितने सीजन पे रहती, लेकिन फिर भी ठीक ठाक भीड़ है ही। ठीक है, वो देखो भाई केदार बाबा का मुकुट, मतलब वो हिमालय को मुकुट समझ लो, उसी की गोद में है केदारनाथ जी का मंदिर। और अगर आज मौसम की बात करें तो हल्के हल्के बादल, हल्की हल्की धूप, कुछ इस तरह का मौसम केदार घाटी में। भाई मैंने मतलब कुछ ऐसी चीज़ देखी ना, कि चलो कुछ लोग तो जैसे जो हैं बूढ़े हैं या वैसे हैं, तो उन्हें तो घोड़ा खच्चर करना ठीक भी है, लेकिन मैंने देखे कि कुछ जो जवान हैं वो भी घोड़े खच्चर से जा रहे हैं। मेरे पर्सनल ओपिनियन से ऐसी यात्रा का क्या फ़ायदा कि तुम दूसरों को कष्ट दे के अपना जा रहे हो, है ना? आपके क्या विचार हैं कॉमेंट में ज़रूर बताना। ये देखो भाई, ऐसे बहुत सारे झरने मिलते रहेंगे आपको इस सीजन में। हैं क्या का इंटरव्यू तो ले लो, घोड़े का इंटरव्यू क्या पूछूं घोड़े से? मजा आ रहा है चलने में? तो घोड़ा तो फिर कहेगा अगर जो मेरे ऊपर है गधा ना बैठाओ। है थोड़ी मालिक डाइट सही करते, चने में खिला क्या? थोड़ी मालिक डाइट सही करते, घास ही घास चने में खिला दे। हां तो भाई साहब 1.5 घंटे में, डेढ़ घंटे में आना जाना 1.5 घंटे में। ये देखो, लेकिन यार सच में कि मतलब कुछ तो बिल्कुल ही नौजवान है, हट्टे कट्टे, पता नहीं घोड़े पे बैठ के क्यों जा रहे हैं। उनके लिए तो घोड़ा यही कहेगा वाकई में कि अगर मेरे ऊपर ये गधा ना बैठाओ तो मैं तो 2 घंटे में पहुंचा दूं। हकीकत बात है ये। ठीक
एक और खूबसूरत सा झरना देखो भाई, इस तरह के बहुत सारे झरने मिलेंगे यार। ये है खूबसूरती यहाँ की वादियों की, ये नहीं ये चीज। मुझे समझ में नहीं आ रहा कितने झरने दिखाऊं कितने नहीं। इस तरह के दर्जन भर खूबसूरत झरने दिखेंगे आपको इस ट्रैक पे, एक खूबसूरत से ट्रैक पे जो कि स्वर्ग का रास्ता, क्योंकि जहां शिव वहीं स्वर्ग। और पसीने में तरबतर हो चुके हैं लेकिन कपड़े नहीं उतार सकते क्योंकि पता लगा है कि ऊपर -7 में है टेम्परेचर। कल भी स्नोफॉल हुआ था और आज भी स्नोफॉल होने के पूरे 110% चांसेस हैं। तो देखते हैं, जस्ट भीमवली पहुंचने वाले थोड़ी देर में, फिर वहां पे रेस्ट लेंगे, उसके बाद फिर आगे को ट्रैक कंटिन्यू करेंगे, तो बने रहना। एक और खूबसूरत सा झरना दोस्तों, और यहाँ के झरनों की एक खासियत ये है कि इनका पानी एकदम सफेद ऐसा लग रहा है दूध सा हो, बिल्कुल दूध के झरने, इतनी शुद्धता है यहाँ के पानी में, देख रहे हो। तो दोस्तों एक बात बताता हूँ मैं आपको, जब आप इस ट्रैक पे जाओगे ना गौरीकुंड से केदारनाथ ट्रैक को, तो यहाँ पे 20 लेरी भी 50 लेरी की है। मतलब 50 रुपए की, 50 रुपए की है, 20 लेरी जो है 50 लेरी है, आगे आगे 100 लेरी भी हो सकती है, 100 लेरी भी हो सकती है। तो और दूसरी चीज, यहाँ के जो झरनों का पानी है वो एकदम चाइल्ड वाटर है। हाँ, बहुत फनी करते हैं बात, बहुत ही ठंडा एकदम चाइल्ड। ओके, दैट्स ऑल। ये दोस्तों मंदाकिनी नदी पूरे जोरों शोरों से शोर करते हुए बह रही है, और ये जो आपको जगह दिख रही है, यहाँ 2013 की आपदा से पहले रामबाड़ा हुआ करता था, सोच रहे हो, पूरा का पूरा रामबाड़ा साफ हो गया था। कितनी जबरदस्त वो आपदा रही होगी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये देखो भाई मंदाकिनी नदी, अब हम पुल पार करके अब असली चढ़ाई अब स्टार्ट होगी भीमवली से। आगे से ये वाला जो आप पैच देख रहे हैं ना, ये वाला यही है असली पैच, वो ऊपर बैठे हैं अपने भोलेनाथ। तो चलते हैं भोलेनाथ के पास भाई। इस एंगल से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, यहाँ कहीं पूरा रामबाड़ा हुआ करता था, देखो पूरा साफ है। कितनी भयंकर मंदाकिनी नदी बह रही होगी, सोच सकते हो, पूरा रामबाड़ा क्लियर साफ, कुछ भी नहीं बचा। भैया इस तरह के आपको बहुत सारे शेड्स देखने को मिलेंगे, हमने मैगी ठूस ली है। एक बुरी खबर ये है कि बारिश की बूंदें गिरने लग गई हैं थोड़ी थोड़ी, और यहाँ से श्री केदारनाथ 8 किलोमीटर है। तो भैया कैसे जाएंगे, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि ठंड भी लगने लग गई है भैया। जो पसीना था वो भीग गया है कपड़ों में, उससे और ठंड लग रही है। यहाँ बारिश हो रही तो इसका मतलब ऊपर स्नो गिरेगा, तो भैया आज तो तबाही होने वाली है। -7 तो कल था, आज पता नहीं कितना होगा। लोग ऐसे सोच रहे हैं, कितना बड़ा ब्लॉगर देख रहे हैं। मैं भी हूँ भैया। हैं? अरे तू भी ठीक है भाई। मैं भी तो ब्लॉग में आ गया ना। ठीक है ठीक है, फिर ठीक है। तो भाई इस खूबसूरत सी जगह पे इतना अच्छा मौसम हो रहा था, मौसम पे 4 चांद लगा दिए, बारिश भी होने लग गई और थोड़ी जी वाटर प्रूफ होने लगे हैं। ये देखो भैया, हम एक शॉर्टकट ले रहे थे, तो देखो जो मेन रोड था ट्रैक वाला वो तो साफ सुथरा था, लेकिन देखो पीछे को कितनी गंदगी कर रखी है, ये सारी गंदगी कचरा है, प्लास्टिक है। तो प्लीज़ मेरा ये व्लॉग देख के अगर कोई भी केदारनाथ आ रहा है तो प्लीज़ इस चीज़ को अवॉइड करें, अपनी गंदगी अपने साथ ही वापस ले जाएं। तो दोस्तों आज तक जिंदगी में कभी भी लाइव स्नोफॉल नहीं देखा था, फर्स्ट टाइम स्नोफॉल भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं भाई। मेरा फर्स्ट टाइम है लाइव स्नोफॉल, और देखो भाई क्या गजब की स्नो गिर रही है, देखना भाई पूरा। हाँ रुई सी बहुत ठंडी सी लग रही है यार अब तो हाथ में। छोटी लिंचोली पे है, मतलब छोटी लिंचोली के, अब तो लिंचोली के नाम से फेमस है ये। यहाँ पे कैंप वगैरह भी है, लेकिन हमें तो केदारनाथ जाना है। स्नोफॉल में रतूड़ी ऑन फायर, देख रहे हो भाई, बर्फबारी की ख्वाहिश भी पूरी कर दी भोलेनाथ ने। भाई भारी बर्फबारी के बाद केदार घाटी का लिंचोली में ये देखो भाई स्नोफॉल का कितना, मतलब भयंकर स्नोफॉल हुआ है। ये देखो भाई, मेरी तो उंगलियां भी काम नहीं कर रही। ये हालात है अभी
छोटी लिंचोली में, मतलब छोटी लिंचोली क्या लिंचोली नाम है अब। ये देखो भाई पूरा स्नोफॉल हो रखा है, भारी ठंड हो रही भाई, माइनस में जा चुका है टेम्परेचर। बाद रास्ते का बुरा हाल हो चुका है, बर्फ फिसल ली है, कपड़ों की ये हालत हो चुकी है, हाथ देखो भाई लाल पड़ चुके एकदम हाथ, और ये देखो भाई कैलाश पर्वत, ये लो तो कैलाश सा नज़र आ रहा है, और देखो भाई कितनी बुरी बर्फबारी हो रही है, कितनी ठंड हो रही है, माइनस में है, और नीचे देखो बादल भी तैर रहे हैं। हालांकि इससे ये है कि मौसम साफ होगा, सामने देखो भाई चारों तरफ की पहाड़ियां बर्फ से लदी हुई, और रास्ते के बहुत बुरे हाल, और ये अगर किसी ने कैलाश पर्वत देखा है तो इसी तरह का नहीं लगता कैलाश पर्वत, कमेंट में ज़रूर बताना कि मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ। जैसे आगे को बढ़ रहे हैं बर्फ़ की मात्रा गिरते बढ़ते जा रही है, मतलब गिरना तो ऑलमोस्ट कम हो गई है। देखो भाई एक बार रास्ता बहुत बुरे हाल हैं कीचड़ से, और बर्फ़ से लबालब ढके हुए पहाड़। स्नोफॉल जैसे जैसे ऊपर को जा रहे हैं और ज़्यादा होते हुए जा रहा है, और ज़्यादा होते हुए जा रहा है, ठीक है। एक बार आप रास्ते की हालत देखो, पूरा कीचड़ कीचड़ स्नो की वजह से। इस रास्ते की हालत देख के मुझे एक चीज़ याद आ रही है, हमारे गांव का प्रधान, ये हमारे गांव का प्रधान खा खा के मोटा हो रहा है, वो वाली चीज़ याद आ रही है। और भाई वाकई में बहुत ही फिसलन हो रही है, बहुत ही रफ्तन हो रही है, बहुत ज़्यादा देख रहे हो पूरा स्नो स्नो हो रखा है। तो इन सब चुनौतियों से जूझते हुए हम जा रहे हैं केदारनाथ धाम की ओर। भाई फिलहाल पहुंच गए हैं बेस कैंप, हालत हो चुकी ख़राब, और एक बार यहां का दिखा देता हूं सिनेरियो कि कैसा हो रहा है यहां का सिनेरियो। लो भैया बर्फ ही बर्फ, बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हुआ है आज तो, ठीक है। और हम रुके कहाँ पर है, घोड़ों के पास। तो गाइज आप लोग यहाँ पर, ये बेस कैंप है, इसका नाम ही बेस कैंप है। यहाँ पे इस तरह की कैंप्स वगैरह भी अवेलेबल रहते हैं, 200 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये, मतलब इस टाइप का, हर जो आपको भी आपकी सुविधा के अनुसार दिख रहा हो उस हिसाब से ले सकते हैं। और एक बार देखो कितना घना, कितना हैवी स्नोफॉल हो रखा है, और अब भी स्नोफॉल हो ही रहा है, तो समझ में नहीं आ रहा कि भैया ये स्नोफॉल काहे नहीं रुकता, भैया रुकेगा कैसे। केदारनाथ का जो है भाई 3 घंटे 3.5 घंटे से ऑलमोस्ट स्नोफॉल हो ही रहा है, ठीक है। अब यहाँ से रह गया है लगभग 700 मीटर केदारनाथ जी का मंदिर। प्रभु दर्शा दिए थे सुबह से इस दर्शन को, भाई फिसलन अब भी हो रही है। ओह जय हो भोलेनाथ, जय श्री केदार। फाइनली सामने मंदिर परिसर, इतना साफ नहीं दिख रहा फोन में, वो देखो भाई वहाँ विराजमान है मेरे महादेव। ओ भाई वहाँ पर है केदारनाथ जी का मंदिर, और बिलीव मी जब तुम यहाँ पर से चलना स्टार्ट करते हो ना, तो हाँ भाई आग सट गए भाई, भरोसा करो कि सारी थकान उतर जाएगी, शरीर की जितनी भी थकान है, ठीक है। सामने जब मंदिर देखते हो ना, यहाँ तक की चढ़ाई की सारी थकान उतर जाएगी। और एक बार तुम्हें एक बार व्यू दिखा दूं यार, यहाँ से क्या व्यू हो रहा है, ठीक है। ये देखो भाई, भाई साहब क्या व्यू है, कितना खूबसूरत लग रहा है। ये देखो यहाँ पे कैंपिंग वगैरह की साइट है, यहाँ पे पानी का तालाब है, वहाँ पे लोगों ने कैंपिंग वगैरह कर रखी है। अब मेरे समझ में आया, लोग कहते हैं जहाँ शिव वहीं स्वर्ग, तो देख लो भाई वाकई में स्वर्ग से कम है क्या, कितना खूबसूरत है। और लेकिन आज स्वर्ग में ठंड है। तो भाई हम पहुंच गए फाइनली केदार घाटी पे, सामने केदारनाथ जी का मंदिर है, और एक बार आप भी देख लो भाई क्या, कितना खूबसूरत हो रहा है केदार घाटी का माहौल, मौसम कितना खूबसूरत, कितना प्यारा हो रहा, पूरा 360 व्यू। तो भाई फाइनली मंदिर के पास पहुंच गए हैं, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, सबसे पहले देखते हैं अपने रुकने की व्यवस्था,
क्योंकि हम पूरे भीगे हुए हैं। ये देखो भाई, एक बार हालत देखो, जूते पूरे गीले हैं, कपड़े पूरे गीले हैं। तो भाई पहले रुकते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। और फोन की बैटरी भी जो है वो ऑफ होने वाली है। तो भाई इससे आगे के दर्शन में कराऊंगा आपको अगले व्लॉग में। तो अगर यहाँ तक आ गए हो तो अगला व्लॉग जरूर देखना, और इस व्लॉग में कुछ भी पसंद आए तो लाइक जरूर करना, और चैनल पे नए हो गए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय श्री केदार, मिलते हैं अगले व्लॉग में।